हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ उर्वशी, और वेलकम टू दिवाली सीज़न। सो अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, और दिवाली का टाइम मतलब दिवाली की सफाई। सो मुझे करनी है दिवाली की सफाई, क्योंकि मेरी मम्मी तो घर में रहती नहीं है और मेरी दीदी भी घर में नहीं रहती है, और ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो वैसा तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैं सफाई करती रहती हूँ इन जनरल थ्रू आउट द ईयर, तो ऐसा कुछ है नहीं। और क्लटर सामान हम करते नहीं हैं, सामान हम फेंकते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, कचरा हटाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें कुछ साफ़ सफाई करनी है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये कुछ कपड़े निकाले हैं, ये हमारे बाबू जी हैं, हमारे भैया जी हैं, जो रुद्र के कपड़े हैं, तो इनको और इसमें हैं, तो ये कितना अच्छा सेट है, मतलब ठीक है उसने पहना है। और छोटे बच्चे कितना ही कपड़ा पहन पाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कुछ टोपियां हैं, ठंडी के कपड़े हैं और टोपी वगैरह हैं, ठीक है सही कंडीशन में है। सो इन कपड़ों को हमें डोनेट करना है, तो इन कपड़ों को हम डोनेट करेंगे। इसके अलावा मेरे पास ऐसे कोई कपड़े है नहीं, क्योंकि इस ईयर हमने कुछ ख़रीदा नहीं ऐसा खास। सो अदरवाइज़ होते तो हम भी कर देते डोनेट, बट बच्चे के कपड़े हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं, ठंडी आ रही है सो ये हम कर रहे हैं। सो ये सारे कपड़े हम डोनेट करेंगे जो लोगों को ज़रूरत होगी, साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। सो कुछ लोग हैं जिनको चाहिए तो हम दे देंगे। और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आपके घर में जो कपड़े हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों, पुरानी बुक्स हों, नोटबुक्स हों, या कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं यूज़ करते हैं अब, और या रखी हुई है आपके यूज़ की नहीं है, किसी और के काम आ सकती है, तो आप उसको किसी को डोनेट कर दीजिए। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और आप खुद भी चीज़ों को रीयूज़ करिए। कैसे, क्योंकि मेरा तो पूरा और हम लोग का पूरा बचपन बीता है दूसरों के कपड़े पहन पहन के, हमें कपड़े आते थे दूसरों के पहने हुए और हम उनको पहनते थे, और पूरा बचपन आधी लाइफ तो मेरी ऐसे ही बीती है। सो देर इज़ नो शेम इन दैट। अभी भी मैं कपड़े रीयूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब ऑल दो मैं नए कपड़े ख़रीद सकती हूँ, बट फिर भी मैं शादियों वगैरह में नए कपड़े ख़रीदना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि वेस्ट होते हैं ये सब। सो जितना वेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट में जाता है। सो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को रीयूज़ करें बार बार, और इसमें कोई शेम नहीं है। अगर आपकी बड़ी बहन है या आपके कजिन्स हैं जिनके कपड़े आपको हो सकते हैं, सो यू कैन वेयर देम, और आप उन आपके कपड़े उनको हो सकते हैं, सो यू कैन गिव देम टू दोस, और इस तरीके से आप कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेफर करती हूँ। अब ये जो जैकेट है ये मैंने 3-4 साल पहले लिया था, और अभी भी मैं इसको पहन रही हूँ। पहली बात, मेरे कपड़े कभी छोटे नहीं होते हैं, ना ही फटते हैं, और ना इनके साथ कुछ बुरा होता है, तो मेरे कपड़े तो हमेशा चलते ही रहते हैं। सो मुझे ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और वो कपड़े काफ़ी रीयूज़ होते हैं। सो इसी तरीके से आप भी किसी को अपने कपड़े दीजिए, और कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए जब तक कि उनकी एकदम गत ना निकल जाए, ताकि ये अच्छी बात नहीं होती कि आपके पास एक कपड़ा है फिर भी आप अननेसेसरी बाइंग कर रहे हैं। सो इससे फाइनेंशियल तो ठीक है, आपके पास पैसा है कोई बात नहीं, लेकिन आप काफ़ी वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सो इस दिवाली आप प्लेज करिए कि आप रीयूज़ ज़्यादा करेंगे, अननेसेसरी बाइंग नहीं करेंगे, और डोनेट करेंगे। सो विद दैट अब मैं करती हूँ दिवाली की सफाई शुरू। सबसे पहले मुझे कुछ स्पाइडरमैन होमकमिंग स्पाइडर वेब्स क्लीन करने हैं। सो मैं स्पाइडर वेब्स मतलब कि मकड़ी के जाले, मुझे अपना फ़ैन साफ़ करना है। मुझे नहीं पता इस कमरे में इतनी धूल कहाँ से आती है, सब तरफ से बंद है पर पता नहीं कहाँ से आती है। सो मुझे कुछ सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, तो मैं वो सब कर लेती हूँ, उसके बाद आगे काम। कि ये हमारा हथियार रेडी है। ऑल दो मैं खुद 5 फुट 7 इंच की हूँ, बट हमारे घर की दीवारें बहुत ऊँची हैं, ये देखिए 5 फुट 7 इंच, और उसके बाद इतना ऊँचा ये, उसके बाद मैं सारे जाले साफ़ कर सकती हूँ। बट हाँ, अच्छी बात है, भगवान की दी हुई हाइट है, तो हमें स्टूल वगैरह या उस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ये सारे जाले साफ़ करती हूँ। वैसे मैंने रिसेंटली साफ़ किए थे, तो कुछ है नहीं ज़्यादा करने को, मैं करती रहती हूँ सफाई। मुझे अपनी एसी पे भी डस्टिंग करनी है, उसके बाद उसको कवर पहनाना है, उसके कपड़े पहनाने, इनका काम हो चुका है सीज़न का, अगले सीज़न पे ये खुलेंगी। तो जाले वाले सारे मैंने छुटा दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है फर्श पे, और इधर जो जाला लगा है ये मैं नहीं छुटा सकती, क्योंकि जब मैं यहाँ पर मार रही थी
तो ये अजीब तरीके के वेव्स क्रिएट करने लग गई थी। सो मैं इधर नहीं सफाई कर सकती, वरना वो हमारी मधुमक्खी जी मेरा बैंड बजा देंगी। तो हाँ, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती। बाकी सब जगह जाले साफ़ हो गए हैं, बस एक मकड़ी रह गई है। तो और छत के भी मैंने साफ़ कर दिया, अब बस फर्श में जो भी क्या मुँह क्यों फैला रखा है, तो फर्श पे जो भी गंदगी है वो जब सुंदरी जी आएंगी तो सब साफ कर देंगी। और मैंने अपने सारे कपड़े धुल दिए हैं। किसके पार करा दी घर फिर से कहा, अब नहीं बन रही। तो मैंने अपने सारे फ्लफी फ्लफी कपड़े जो हैं, जो मैं कम ठंडी में पहनती, क्या कर रहे हो उसमें काटे हैं, ओ यू आर स्टैबिंग मी, किटस छोड़ मेरे पौधे को, छोड़ मेरे पौधे को, पौधे मार, पौधे नहीं, पौधे को नहीं मारूंगी, वो तुमको मारूंगी, पौधे क्यों मारूंगी। तो मैंने अपने सारे ये फ्लफी, तो ये सारे बच गया तेरी वजह से, वह सब मैंने अपने सारे फ्लफी स्वेटर्स धुल दिए हैं। मेरे पास ऐसे ही स्वेटर होते हैं जो बहुत गुलगुल होते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये सारा काम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, और शाम को जाना हमें प्रदर्शनी। हाँ, डेली वही टाइल्स ही रहती हैं, और कोई काम है नहीं रह गया है। भाई मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है। तो फतेहपुर में जगह जगह प्रदर्शनी लगी हुई है जो हम लोग गए। हाँ। और मैं उसकी वीडियो आपको दिखाती हूँ। चूरन मैंने इन्होंने खरीदा है, इनके भी फुटेज है। इतना सा खरीदती हूँ अब जाके, केवल 100 है मीठी वाली। सो तुम क्यों खा रहे हो फिर? सो प्रदर्शनी लगी है दिवाली वाली, कई बार हम लोग जा चुके हैं। सो आज हम लोग फिर शाम को जाएंगे। तो मैं आपको उसकी फुटेज दिखाती हूँ, फन से दूर रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी, जीजू को जाना ओपीडी, इसलिए वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं। अरे नहीं यार, नहीं धीरे चला रहे हैं, मुझे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जीजू बहुत ही तेजी से जा रहे हैं क्योंकि उनके पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी अपने पेशेंट्स को वेट कराना पसंद नहीं करते हैं। इनकी ओपीडी है देवांशी कलेक्शन के बगल में, स्टेट बैंक जहाँ पे है, आर एस क्लिनिक उसका नाम है। आदित्य वाजपेयी डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कॉन्टेक्ट हिम। फोन नंबर और जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हाँ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं, दिवाली वाली एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ से दीदी दो बार अपने साइज से छोटी कुर्ती लेके आई हैं, उनको लगता है कि उन्हें हो जाएगी। दो बार जा चुके हैं लोग। हाँ, कौन सी गाड़ी है? क्रेटा। यही ले लो, अभी आईटीआई में आ रहे हैं। Which one? This one. भैया ये दिखाना, भैया दीदी कहाँ गई? भाग गई दीदी, कुर्ती बदलने गई। भैया सुन नहीं रहे, ये साइज छोटा है मेरे, बड़ा मिल जाएगा। कैसा लग रहा है आपको महिलाओं के साथ शॉपिंग? अरे यार जीजा के साथ चले जाते हैं। दीदी ने कितनी कुर्तियां खुलाई। अरे हाड़ो तो बैठो, ये सब दीदी ने खोला। वो देखो कितना कीड़ा उड़ रहा है, कीड़ा दिखाओ, उसको जाओ हिलाओ, हमने ले रहे। ये लोग कुर्तियां पसंद रही, इनको अपने साइज की कुर्ती कभी मिलती नहीं है। दीदी हमारी फेमस है दुकान खुलवाने के लिए, और एज यूजुअल उन्होंने किया है। ए देखो बिट्टू,
आम का है आपके पास? आम पापड़ ये आम पापड़ मीठे वाला और बाकी आम पापड़ मीठे वाला ये नेट तो नेट बंद है तो क्या करें? नंबर ये 99 28 28 दीदी एज यूजुअल कुर्ती रिटर्न करते हुए दीदी रिटर्न कुर्ती रिटर्न अच्छी आ रही है आ गया ठीक है ना 50 और बहुत खुश हैं इन्होंने फाइनली बदल लिया क्या आप अपने यहाँ आने के डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं यार तुम लोग आओ बकवास बस खरीदना बदलना ये नहीं कि समझ में आ रहा है तो उठा ले नहीं भैया गाड़ी का क्या रेट है? अच्छा साड़ी तो हो गया मैक्सी 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 अपना कंफर्ट नंबर वन सब लोग गाड़ी में जाके बैठ गए और ये खरीदारी नहीं खत्म हो रही तो ये था हमारा दिवाली की सफाई एंड एवरीथिंग वाला ब्लॉग अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा दिवाली वाला सो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जा भागो बाय बाय